साल 1994 में ऐश्वर्या राय ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने के बाद मणि रत्नम की तमिल फिल्म इरुवर से फिल्मी दुनिया में कदम रखा। इस साल उनकी पहली हिंदी फिल्म और प्यार हो गया भी रिलीज हुई थी। आज इस फिल्म को रिलीज हुए 23 साल पूरे हो गए हैं। साथ ही ऐश्वर्या को बॉलीवुड में भी 23 साल पूरे हो गए हैं। मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने और दुनिया भर में इंडिया का परचम लहराने के बाद ऐश्वर्या राय बच्चन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हॉलीवुड फिल्मों से लेकर कांस फिल्म फेस्टिवल तक उन्होंने अपनी खूबसूरती का लोहा मनवाया। ऐश्वर्या को स्कूल टाइम से ही मॉडलिंग के ऑफर मिलने शुरू हो गए थे और उन्होंने अपनी सबसे पहली एड फिल्म 9वीं क्लास में ही की थी। वह एक पेंसिल का विज्ञापन था। और प्यार हो गया में ऐश्वर्या के साथ बॉबी देओल नजर आए थे। फिल्म तो सुपरहिट रही थी, इसके गाने भी खूब पसंद किए गए। इस फिल्म में सनी देओल ने हमसे रहोगे क्या हमेशा खफा गाने में कैमियो किया था। इस फिल्म ने नुसरत फतेह अली खां का गाना कोई ना जाने सुपरहिट हुआ था। फिल्म की रिलीज के 2 दिन बाद नुसरत फतेह अली खां की मृत्यु हो गयी थी। ऐश्वर्या ने दिल का रिश्ता, जोश, उमराव जान, कुछ ना कहो, ताल, देवदास, हम दिल दे चुके सनम जैसी फिल्मों में लाखों लोगों को दीवाना बनाया है। तस्वीरों में आप उनका बदलता हुआ लुक देख सकते हैं। ऐश्वर्या ने साल 2010 में फिल्मों से ब्रेक लिया था और फिर 5 साल बाद जज्बा से वापसी की। इस फिल्म के बाद ऐश्वर्या सरबजीत, ए दिल है मुश्किल और फने खान में नजर आई। कुछ महीनों पहले ऐश्वर्या कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से खबरों में थी। हालांकि अब वह ठीक भी हो चुकी है।